उद्योग मंत्री और बानसूर विधायक शकुंतला रावत आज अपने बचपन में पढ़ने वाली स्कूल पहुंची और स्टूडेंट लाइफ को याद किया। इस स्कूल में रहकर उन्होंने सबसे ज्यादा अनुशासन सीखा। मंत्री शकुंतला रावत जैसे ही आर्य कन्या स्कूल पहुंची, दीपावली क्राफ्ट मेले के उद्घाटन पर पहुंची तो उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए दिन याद आ गए। इस अवसर पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि आज उन्हें अपने बचपन का स्कूल याद आ गया। उस वक्त भी कमला शर्मा मैडम पढ़ाई को लेकर डांटती थी और अनुशासन रखती थी, और आज भी इसी स्कूल में कमला शर्मा मैम है तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं आज भी अपना स्टूडेंट समझकर मुझे डांट ना दे। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में आकर मुझे आज गुरु का आशीर्वाद मिला और हमें यहाँ इस स्कूल में सबसे ज्यादा अनुशासन सिखाया गया जो आज भी जारी है। उस वक्त भी खाने पीने की स्टार लगती थी, लेकिन 14 नवंबर को लगती थी। उन्होंने बताया कि आज वह हर स्टॉल पर गई और बच्चों का उत्साह वर्धन किया। उन्होंने बालिकाओं को कहा कि वह इसी तरह काम कर बड़ी उद्यमी बने, और मुख्यमंत्री ने भी महिला लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना चलाई है जिसमें सरकार अनुदान देती है, और ये कला बचपन से ही आ जाती है तो उन्हें आजीविका चलाने में कोई परेशानी नहीं आती। उन्होंने कहा कि जो भी बच्चियां स्वरोजगार अपनाना चाहेंगी उन्हें जिला उद्योग केंद्र में अन्य संस्थाओं से सहयोग करवाएंगे। यहाँ आज इस स्कूल में स्कूली छात्राओं द्वारा अनेक तरीके के व्यंजन सामान क्राफ्ट की चीजें बनाई गई, जिसमें परिवार भी शामिल हुआ और छात्राओं द्वारा बनाई गई खाद्य सामग्री व अन्य सामानों को खरीदा। इस क्राफ्ट मेले में छात्राओं में भारी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर आर्य कन्या विद्यालय समिति के प्रधान प्रदीप आर्य, स्कूल के निदेशक कमला शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी और स्टाफ मौजूद था। मुझे बहुत ही खुशी है कि इसी स्कूल में हम क्लासरूम में पढ़ते थे, वहाँ से फिर प्रेयर करके कैसे लाइन में जाते। कमला शर्मा मैडम जी हैं हमारी, आज भी वही हैं, तो किस तरह से डांटती थी, बिल्कुल डिसिप्लिन। तो मुझे लग रहा कहीं आज भी नहीं डांट लगा दी मैडम। आपको लग रहा है कि खुशी हो रही है? आशीर्वाद मिला है। बिल्कुल, गुरु का आशीर्वाद ही श्रेष्ठ होता है, और हमने भी पालना करने की कोशिश की। ऐसी स्टॉल्स हम भी लगाते थे पहले, 14 नवंबर को हैप्पी स्कूल में स्टॉल्स लगती थी, तो होम साइंस जिनके पास थी वो खाने का आइटम भी बनाते हैं, इस तरह के डेकोरेट आइटम बहुत बनाए हैं। तो जब वो कोई ले लेता है तो हम घर तक जाकर के उसकी खुशी हमें इतनी होती कि हाँ हमारी चीज इतने रुपए में गई है, हालांकि वो चीज कैसे ही हमने बनाई हो, लेकिन उस समय की जो खुशी है, तो मुझे लगा कि आज इन बच्चों को मैं खुशी दे सकती हूँ, तो क्यों नहीं हर स्टॉल से एक एक दो दो चार चार सामान ले में, कि जो खुशी मैंने फील की वो खुशी हमारे बच्चों के अंदर हो, एक उत्साह हो। और ये आगे जाकर के मैं तो यही कहूंगी कि आगे जाके एक बड़े उद्यमी बने और इनका सामान पूरे राजस्थान नहीं, देश नहीं, पूरे विदेशों में जाए, जो कि आज हमारे जा भी रहा है। जो हमारी मुख्यमंत्री महोदय की जो योजना है एमएसएमई से, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना है, जो प्रत्येक जिले वाइज जो रोड शो हुए, वो इसीलिए हुए कि जो हमारे राजस्थान के पारंपरिक उद्योग धंधे हैं उन्हें कोरोना के बाद में वापस से स्थापित किया जाए। सरकार की तरफ से लोन देना है, ब्याज राशि अनुदान राशि देना है, तो ये इस तरीके की कला जब बचपन से ही व्यक्ति के अंदर होती है, बच्चों में आती है उभर के, जो बचपन की कला है वो कभी समाप्त नहीं होती, जो बचपन की याददाश्त है वो कभी समाप्त नहीं होती। तो ये आर्य कन्या विद्यालय मैं जब से देख रही हूँ, हम 9th-10th में यहाँ थे और यहीं से पीटी करने जाते थे, तो बिल्कुल डिसिप्लिन, यहाँ की क्लासों की प्रेयर्स भी अलग अलग होती थी, मुझे नहीं पता अभी भी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें, एक डिसिप्लिन, बहुत अच्छा विद्यालय है ये, और आज भी उतनी ही मेरे हिसाब से ज्यादा बच्चियों की संख्या है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ करके, सभी को बधाई, दीपावली की शुभकामनाएं। सवाल है कि आप राजस्थान के उद्योग मंत्री हैं और ये वही चीज बनी हुई है जो एक छोटे लघु उद्योग को स्थापित कर सकती है, क्या ये बच्चे प्रेरणा देंगे राज्य सरकार को इस तरह के उपक्रम बना के और विदेशों में भेजे जाए, वहाँ डिमांड ज्यादा है? बिल्कुल, अगर हमारे बच्चों के जहाँ से कोई भी अगर निकल के स्टूडेंट जाता है, अगर वो काम करेगा, तो मैं पूरी मदद करने के लिए, उसको ट्रेनिंग देने के लिए जिला उद्योग केंद्र की तरफ से, पूरी सरकार की जो योजना है उसकी सुविधा देने के लिए।